सात आदमी यहाँ इस गोले से सात आदमी, एक वो लेडी मर गई, एक इसका बेटा जख्मी है, इसके भाई का बेटा जख्मी है, ये हॉस्पिटल से अभी हाँ सर बताइए, पूंछ का दौरा किया जिसके वाले से। पूंछ LOC के आसपास लगते एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त सीज फायर का वायलेशन किया गया है। यहाँ बांडी चेशिया के एरियाज के अंदर लोगों की जान और माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहाँ कुछ लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग जख्मी हैं जिनको गोलियां लगी हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है और यहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ है। और आज हमने तमाम इस बॉर्डर का, इस LOC एरिया का टूर किया है और हमने देखा है कि लोग दहशत में। यहाँ सरकार की तरफ से हर संभव सहायता की जा रही है, सेना ने पलटवार करके जो भी दुश्मन को जवाब देना था वो तो दिया है, लेकिन लोगों की जिंदगियां हमारे लिए बहुत अहम हैं। हम तमाम लोगों से हमने मुलाकात की है, लोगों के दिल में आज भी डर है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बंकर्स इस LOC के ऊपर जिसका काम शुरू किया गया है वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। मेरे को बताया गया है कि बहुत सारे बंकर्स अभी आधे अधूरे हैं। हम कोशिश करेंगे, मैं यहाँ से जाते ही जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनसे भी मुलाकात करूंगा और सेंटर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात करके यहाँ के लोगों को दरपेश मुश्किलातों से उनको अवगत कराऊंगा और यहाँ की परेशानियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरे को बहुत सारे सरपंचीज और पंचीज ने भी अपनी परेशानियाँ बताई हैं, चाहे वो PMAY के मकान हों, चाहे उनकी पुरानी MG NREGA की लाइबिलिटीज़ हो। हम कोशिश करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे जो सैनिटरी कम्प्लेक्सेज हैं, हम कोशिश करेंगे, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए हैं और लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। गरीब गुरबे लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसका फ़ायदा आम आवाम को मिलना चाहिए, वरना वो अगर कागजों में ही रहेंगी तो आम लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यहाँ के लोगों की दरपेश मुश्किलातों को यहाँ से टूर के बाद जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अप्राइज कराऊंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके समकक्ष हम बात रखेंगे। हम चाहते हैं कि सारे एरिया में, इस खित्ते में, इस शांति बहाली हो, अमन हो, भाईचारा हो, लोग प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि इंसानी जाने, एक चींटी की भी अगर जान जाती है तो बहुत तकलीफ होती है, इंसान की जान जाती है तो पूरे एरिया में, पूरी रियासत, पूरे मुल्क में सदमा होता है। सर अभी सेंटर में जो देखिए, ये मुल्क हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबका हिंदुस्तान है। इस मुल्क की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो अशफाक उल्ला खां और बहादुर शाह जफर जैसे मायानाज हमारे हिंदुस्तान के लीडरों ने यहाँ कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बनाया है अजीम व शान। अगर ये मुल्क है, हम सब की वजह से है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, ये हम सब का है। अलबत्ता इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो जहर घोल के अपनी गंदी सियासत करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए और प्यार और यकजहती से रहना है। ये सबका हिंदुस्तान है, ये कानून के मुताबिक चलता है और आईन के मुताबिक हमको चलना है। ये जो गंदी सियासत होती है इससे दूर रहना है और यकजहती के साथ एक होकर रहना है।